लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। ताजिया भी निकले, मुहर्रम भी निकले, नवरात्रि भी हो, शिवरात्रि भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल हैं, तो हर फूल को अपनी आस्था को मनाने का अधिकार है। वो अवसर मिलना चाहिए और आपको सुरक्षा भी देनी चाहिए कि आपके गृह जिला नालंदा या सासाराम में अभी तक तनाव है तो आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है। बड़ी टोपी भी पहनिए, आप संदेश क्या दे रहे हैं ये बड़ा सवाल। नीतीश कुमार, बिहार पर एक ही टिप्पणी करनी है। नीतीश कुमार जी, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और लोक लाज का यह भी तकाजा होता है कि रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकले, ताजिया भी निकले, मुहर्रम भी निकले, नवरात्रि भी हो, शिवरात्रि भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल हैं, तो हर फूल को अपनी आस्था को मनाने का अधिकार है। वो अवसर मिलना चाहिए और आपको सुरक्षा भी देनी चाहिए। क्या संदेश दे रहे हैं आप कि आपके गृह जिला नालंदा या सासाराम में अभी तक तनाव है, लोग परेशान हैं, और अब तो मीडिया के लोगों ने बता दिया कि वहां पर अगर पूरी पुलिस सख्त होती जैसे पिछले बार थी तो घटना नहीं होती। तो आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है। बड़ी टोपी भी पहनिए, आप संदेश क्या दे रहे हैं ये बड़ा सवाल है, और इसका उत्तर मैं श्रीमान नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ता हूं। वो बार बार कहते हैं मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, ये कौन सा है आपको सबके साथ लेकर चलने का, आपकी सोच और क्या है आपका सुशासन। अच्छा होता कि इफ्तार भी खिलाते और नालंदा भी जाते और लोगों को मलहम लगाते, ससराम भी जाते। धन्यवाद, चलिए अब बस इस पर। अब आज का विषय राहुल गांधी का है। थैंक यू।